आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप स्किन वाइटनिंग के लिए टोमेटो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेशियल करने से हमारी स्किन ज्यादा फेयर और हेल्दी ग्लोइंग बन जाता है, इसीलिए महीने में 2 बार नेचुरल तरीके से फेशियल जरूर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लींजर बनाने के लिए एक बोल में 1 चम्मच टोमेटो का रस और 1 चम्मच दूध लेके मिला लीजिए। बस अब आपका क्लींजर रेडी है। अब एक कॉटन बॉल को इसमें डिप करके चेहरे को इस तरह से क्लीन कीजिए। इस तरह दूध और टोमेटो से क्लीन करने से स्किन नेचुरली ग्लोइंग बनता है। मिल्क में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होता है, साथ ही टोमेटो स्किन को नरिश और लाइटन करता है। ऐसे क्लीन करने के बाद 15 मिनट तक रखिए और फिर पानी से धो लीजिए। आप अपने चेहरे को इस तरह रोजाना भी क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबर बनाने के लिए एक बोल में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चीनी लेके मिला लीजिए। अब एक टोमेटो को हफ करके इस मिक्सचर में डिप कीजिए और इस तरह सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे चेहरे को स्क्रब कीजिए। ये स्क्रब डेड स्किन को रिमूव करने में अमेजिंग है, साथ ही इससे स्किन सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग बन जाता है। ऐसे 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए। लास्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए एक टोमेटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून दही, 1/2 टीस्पून शहद और 2-3 टीस्पून बेसन लेके मिला लीजिए। बस अब आपका फेयरनेस फेस पैक रेडी है। अब इसे अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए। इस पैक में एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी है, साथ ही ये पैक स्किन टोन को लाइटन करता है, ग्रम फ्लावर एक्सेस ऑयल को एब्सॉर्ब करता है और योगर्ट स्किन को नरिश और ग्लोइंग बनाता है। अप्लाई करके 30 मिनट तक रखिए। 30 मिनट बाद पानी से धो लीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप बस एक बार ही इस फेशियल को करेंगे तो आप अपने स्किन में बहुत डिफरेंस देख पाएंगे। आपका स्किन ज्यादा ग्लोइंग बन जाएगा। हर महीने में 2 बार आप इस फेशियल को कर सकते हैं।